माय स्टोरी ऑफ हाउ आई फेल माय मदर। तो माँ, जब तुम मुझे बड़ा कर रही थी, मैंने देखा तुम कितनी परफेक्ट थी। हर किसी को खुश रखने की तुमने कितनी कोशिश की, और इस सब की शुरुआत मेरे मैं बनने से पहले ही हो गई। वैसे भी माँ बनना कहाँ तुम्हारा खुद का फैसला रहा होगा, शादी के बाद सब करते हैं, तो तुमने भी किया होगा। इतना बड़ा सा पेट, उसके अंदर इतनी छोटी सी मैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी छोटी थी तुम। फिर भी रूल्स तुमने सारा फॉलो किया होगा, डॉक्टर से ज्यादा दादी की नसीहतों को सुना होगा, खट्टे मीठे एहसासों के साथ 9 महीना बिताया होगा, और जो पहला बच्चा लड़का नहीं लड़की हुई है, ये सुनकर जी थोड़ा घबराया होगा। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर एक बेटी को पालना बड़ी जिम्मेदारी थी तो सही। तो मेरे पैदा होते ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, और तुम्हारी भी। सबको खिला पिला कर तुम कुछ कम ही खा पाती थी, अंत में या तो सब्जी कम या रोटी खत्म हो जाती थी। जब तुमने लास्ट में अकेले बैठकर खाना खाया, तो पानी का ग्लास लिए पापा को आसपास मैंने कम ही पाया, और तब तुमने मुझे घर चलाने का पहला नियम सिखाया कि सबका ध्यान रखते हैं खुद से भी ज्यादा, और घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती है आधा आधा। दादी का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी, पर अपनी खुद की माँ के साथ निभा पाई तुम बस रिश्तेदारी। और तुमने मुझे ये एक और नियम सिखाया कि परफेक्ट बहू बनना बहुत जरूरी है, पर परफेक्ट दामाद कैसे बनते हैं मेरे पापा को किसी ने नहीं बताया। तो धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और तुम छोटी, क्योंकि तुम्हारा रोल ही नहीं बदला। तुम बाल सवारने, घर सजाने और कपड़ा सुखाने में बिजी रही, और इधर मेरे लाइफ के बड़े डिसीजंस पे टिक मार्क पापा ने की। और ये भी मैंने तुम्ही से सीखा कि पापा ही हीरो होते हैं और मम्मी हीरोइन। तो हर बच्चा बड़े होकर सुपर हीरो बनना चाहता है, क्योंकि सुपर हीरोइन का कॉन्सेप्ट अभी तक डिज्नी को भी समझ नहीं आता है। शादी के कई सालों बाद तक तुम हमारे घर के हर गैदरिंग की टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी रही। कैसे उठती हो, बैठती हो, घर कैसे संवारती हो, कैसा खाना बनाती खिलाती, और घूंघट कितना काटती हो। तुमने मुस्कुराकर हर जवाब दिया, सवालों के लिस्ट में खुद पर भी सवाल साझा किया, और तब मुझे नई सीख मिली कि लोग तुम्हें जज करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम करना वही जो सब समझे सही। ऐसी एक नहीं कई तुमने मुझे सीखें दी, बताने बैठूं तो एक उम्र गुजर जाएगी। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताती हूँ, बाद में क्या हुआ सुनाती हूँ। लाल चुन्नी उड़ाकर, अच्छे पाठ पढ़ाकर, मेरा हाथ कुछ अजनबी के उस हाथ से मिलाकर तुमने मेरी माँ बदल दी, मेरा घर बदल दिया, मुझे विदा किया। एंड देन बिगैन माई जर्नी ऑफ बिकमिंग यू, लाइक यू आई कुक्ड, cleaned, arranged, loved, cared, shared, blended, faded, obliterated, finally tired, I spoke and I broke that one rule you had always followed, that never to speak or ever say that this or that or anything could be done a different way. I spoke because the voices in my head was too much noise to cancel. I spoke because my silence was too loud to handle. I spoke because I was tired of letting go. I spoke because this one time I wanted to say no. No, no, no. They cannot decide the cause of my life. No, I am more than your wife. No, I do not exist to fit in your mold of perfection. No, I don't care about your acceptance or rejection. No, I don't want to be more anymore. I am happy. I am happy and enough to be me. Ma, I am sorry for failing you, but I want you to know that you are not a failure as a mother. The problem here is somewhere other. The problem is nobody taught my father to be a better husband and my husband to be a better father. All your teachings and trainings were reserved for me. So while we women, we cooked and cleaned and broke glass ceilings, the men in our lives could not change their dealings. While we learned and got ready to take on this new game, the men just remained the same.
Nobody ever gave them a lecture about how to be a good husband, do daily chores and run errands, to, you know, change diapers, apply rash creams, to soothe the baby when he screams, to be appropriate when commenting on our dressing sense. This whole commenting business is anyway nonsense. To be a man but cry enough. To understand that tears are not anti-tough. To know that women are not yours to be owned, honored or protected. They're just fellow human beings, need to be respected. So, Ma, this is a training problem in our society. This is a training problem in our society. So I decided to quit. I decided to quit being a training instructor to my young little daughter. Because I know, with this I cannot change the things which have come down from generations, but I will do my bit to understand this aberration that gender and gender roles are but choices. And today I add mine to the many voices screaming for change. So, while my journey of how I failed my mother will continue, but my daughter will walk the path she chooses to pursue. Thank you. Meri apni parchoon ki dukaan nahi thi. Meri apni parchoon ki dukaan nahi thi. Main mazdoor ya chhota kisan nahi thi. Mera apna vyapar nahi tha. Isliye mujhe notbandi se sarokar nahi tha. हाँ, एटीएम की लंबी लाइन में मैं खड़ी जरूर हुई, थोड़ी बहुत परेशानियां मैंने भी सही, पर देश की उन्नति इसी से हुई, इसीलिए उस वक्त मैं चुप रही। जब 370 हटाया गया, पहले तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, फिर न्यूज चैनल्स में देखा और समझा कि कश्मीर फाइनली अब हमारा हुआ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए वहां इंटरनेट बंद है, पर डेमोक्रेसी का पर्चा अभी भी बुलंद है और फाइनली हमने पाकिस्तान से बाजी जीत ली, इसीलिए मैं उस वक्त चुप रही। शहरों के नाम बदलते गए, गो हत्या के लिए लोगों ने कोड़े सहे, फिर सीएबी और एनआरसी की बारी आई और स्टूडेंट्स ने पुलिस की लाठियां खाई, मैं फिर भी चुप हूं। मैं बोलूं क्यों, मैं तो हिंदू हूं, मेरे हिंदुस्तानियत पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, मुझे मेरे देश से कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं चुप हूं और चुप ही रहूंगी, क्योंकि जो घर जो जल रहा है वो मेरा घर नहीं, ये आग तो कहीं और है लगी, जो जल रहा है वो मेरा घर नहीं, ये आग तो कहीं और है लगी। पर इतिहास गवाह है कि तानाशाही की ये आग एक दिन फैल जाएगी, तुम्हें और मुझे भी जलाएगी, पर मैं तब भी चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अब तक मुझे चुप रहने की आदत पड़ चुकी, मुझे लगता है सब ठीक है, यही है सही, यही है मेरी चुप्पी। थैंक यू।